अज्ञान मूल हरणम। अज्ञान का मूल क्या है? अज्ञान का मूल वासना है। जैसे नाविक नाव को ले जाता है और नाव नाविक को ले जाती है, ऐसे अज्ञान से वासना पैदा होती है और वासना से अज्ञान बढ़ता रहता है। नश्वर में प्रीति बढ़ती रहती है, अज्ञान के लक्षण है। ज्ञान की बातों से काम न चलेगा, माला घुमाने से काम न चलेगा, बाबा तीर्थ जाने से काम न चलेगा, सेठों को राजी रखने से काम न चलेगा, नौकरों को अपना बनाने से काम न चलेगा। तुम चाहे कितने ही मंत्र करते रहो, लेकिन बेवकूफी कम हुई या बढ़ी उस पर निगाह डालनी पड़ेगी। अज्ञान बढ़ता है कि नहीं, यदि तुम अज्ञान में ही मंत्र करते जाओगे तो मंत्र का फल तुम्हारी वासना पूर्ति, और वासना पूर्ति हुई भोग भोगोगे तो उस भोग की इच्छा और कोई नहीं रह जाएगी। तप करने से क्या फर्क पड़ता है, जप करने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ता है जब कोई सतगुरु मिल जाए। फर्क तो तब मिलता है जब सतगुरु की सीख कोई दिल में उतर जाए, तब फर्क पड़ता है। अज्ञान मूल हरणम, जन्म कर्म निवारणम। जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले जो कर्म है उनको निवारण करने वाला कोई सतगुरु मिल जाए, कोई सत्य की झलकें देने वाला मिल जाए, कोई सत्य के गीत सुनाने वाला मिल जाए। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, जिसके सानिध्य से तुम्हारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य निखर आए, जिसके सतउपदेश से तुम्हारी बुद्धि की मलिनता दूर होकर तुम्हारा विवेक वैराग्य जग जाए। काश कितने सौभाग्यशाली वो दिन होंगे कि भरतरि पूरा राज्य छोड़कर चला गया, गोरखनाथ के कदमों में जा पड़ा। चमार जाति के गोरखनाथ के चरणों में राजा भरतरि को गिरते समय कोई शर्म नहीं आया, कोई लज्जा नहीं हुई, कोई पद और प्रतिष्ठा याद नहीं आया, क्योंकि भरतरी समझते थे। अज्ञान मूल हरणम, जन्म कर्म निवारणम। जन्म जन्म जन्मांतर के जो कर्म है उनको निवारण करने की यदि सामर्थ्य है तो गुरु के चरण रज में है। जन्म जन्मांतर की बेवकूफी को दूर करने की यदि कुंजियां हैं तो फकीरों के द्वार पर है। रहुगण राजा राज्य से उपराम होकर शांति पाने के लिए जा रहा है। होगी कुछ बुद्धि पवित्र, कई राजा तो मर जाते हैं लेकिन आसक्ति नहीं छोड़ते। वो राज्य की आसक्ति छोड़कर शांति की खोज में जा रहा है। पालखी का आदमी बीमार पड़ा, जड़ भरत पालखी धोने में लगा दिए गए। जड़ भरत को डांटा फटकारा, जड़ भरत को करुणा हुई। बुद्ध पुरुष करुणा का भंडार होता है। सच्ची करुणा और सच्ची उदारता, सच्चा ज्ञान और सच्ची समझ तो जड़ भरत जैसे के पास होती। मूर्खों की नजर में वो जड़ जैसे थे लेकिन सचमुच वे ही चेतन पुरुष होते हैं। संसारियों ने उनका नाम जड़ रख दिया था, बेवकूफ रख दिया था, लेकिन वो ऐसे बेवकूफ थे कि हजारों की बेवकूफी नाश करने की कुंजियां उनके पास सड़ती थी। क्या दुर्भाग्य रहा होगा लोगों का कि ऐसे भरतरि का सानिध्य न पा चुके। उस व्यास मुनि को हृदय पूर्वक प्रणाम हो कि जड़ भरत के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डाल दिया, जड़ भरत और रहुगण के संवाद में थोड़ा प्रकाश डाल दिया। वो प्रकाश आज भी काम आ रहा है। अज्ञान मूल हरणम, जन्म कर्म निवारणम। अज्ञान के मूल को हरण करने वाले, जन्मों के कर्मों को हटाने वाले जड़ भरत रहुगण से कहते हैं कि राजन, जब तक तो बुद्ध पुरुषों के ज्ञानी पुरुषों के चरणों में अपने अहंकार को नन्हे छावर करेगा, जब तक ज्ञानवानों के चरण रज में तू स्नान करके सौभाग्यशाली न होगा, तब तक राजन तेरे दुख न मिटेंगे, तेरे शोक न मिटेंगे। दुख को हरते सुख को भरते कर
करते ज्ञान की बात जी। जग की सेवा, सच्ची सेवा तो बुद्ध पुरुष करते हैं, सच्चे माता पिता तो फकीर ही होते हैं, हड्डी मांस के माता पिता तो तुमने कई बार किए, तुमने लाखों लाखों बाप बदले होंगे, तुमने लाखों लाखों माएं बदली होगी, लाखों लाखों कंठी वाले गुरु भी बदले होंगे, लाखों लाखों कनफूके भी बदले होंगे, लेकिन जब कोई सतगुरु मिलता है तो वो तुम्हें ही बदल देता है। अज्ञान मूल हरणम, जन्म कर्म निवारणम, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम गुरु पाद को तम पिवेत। अज्ञान के मूल को हटाने वाले, जन्म मरण के पातकों को और कारणों को भस्मीभूत करने वाले, ज्ञान और वैराग्य को तुम्हारे दिल में भरने वाले, ऐसे बुद्ध पुरुषों के चरण का चरणा अमृत भी मिल जाए तो कितना सुंदर होगा, ऐसे पुरुषों की डांट भी मिल जाए तो कितनी सुंदर होती होगी, ऐसे पुरुष डंडा लेकर पीछे पिटाई करने भी लग जाए तो कितने मधुर वो डंडे होंगे, ऐसे पुरुष तमाचा भी मार दे तो उस तमाचे में कितनी करुणा होगी। मेरे गुरुदेव एक बार ऐसी जोरों की डांट चढ़ाई, देखने वाले भयभीत हो गए, लेकिन धन्यवाद दिया अपने को कि जिन हाथों से हजार हजार मीठे फल मिले हैं उन्हीं हाथ से ये खटमिट्ठा फल कितना सुंदर है, कितनी उदारता के साथ वे डांटते हैं कि कहीं फिसल न जाए, कहीं रुक न जाए, कहीं चिपक न जाए, उसलिए बार बार चिमकियां देते थे। एक बार की बात याद आती है, यदि गुरुदेव की याद में पड़ जाऊंगा तो वक्ता का पार्ट अदा न कर सकूंगा। ऐसी एक डांट चढ़ाई थी, वो अभी भी स्मरण में आती है, और उस डांट में कितनी करुणा छुपी थी। किसी सन्यासी ने मुझे कहा था कि ए युवक, तू मेरे पास से कुछ सीख ले, रिद्धियां सिद्धियां पाने की कला, मैं तुझे अनुष्ठान बताता हूं, बस उससे तेरे को जो चाहिए वो चीजें मिलने लगेगी। इस प्रकार के प्रलोभन देकर वो अपना कुछ कचरा मेरे को दे रहा था। मैं जन्मों का अंधा, युगों का ठगा हुआ, सदियों से घुमा हुआ व्यक्ति, फिर कहीं ठग न जाऊं, कहीं अंधा न रह जाऊं, कहीं फिर घुमावे में न पड़ जाऊं। स्वामी जी को पता चला, तुरंत बुलावा भेजा, चरणों में बिठाया और कहा कि क्या बात सुन रहा था। मैंने जो कुछ सुना, ईमानदारी से सद्गुरु के आगे यदि दिल खोल कर बात न करोगे तो जग करनी पड़ेगी, नहीं तो भीतर ही भीतर बोझा बढ़ाना पड़ेगा, जाओगे कहां। मैंने पूरा दिल खोल कर सतगुरु के कदमों में रख दिया। जो कुछ सन्यासी के साथ बातचीत हुई थी मैंने ज्यों की त्यों दोहरा दी। फिर क्षण भर के लिए मौन हो गया और जांचा कि कोई एक शब्द रह तो नहीं गया, गुरु के साथ विश्वासघात तो करने का पाप न लगेगा, गुरु से बात छुपाने का दुर्भाग्य तो न मिल जाएगा। मैंने फिर अपने दिल में जांचा और गुरु के कदमों में जो कुछ स्मरण आया कर दिया। ईमानदारी से सब कुछ कहने के बाद भी ऐसी जोरों की डांट पड़ी कि वो युवक हार्ट फेल न हुआ बाकी और सारा फेल हो गया। उसका उत्साह और श्रद्धा और सच्चाई सब डिगमिगा गई। ऐसी डांट चढ़ाई सतगुरुओं ने। डांट चढ़ाने के बाद कहते कि बेटा देख,
डांट भी इतनी तेज और बेटा कहने में भी प्यार भी इतना पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण पुरुष जो भी करता है वो पूर्ण ही तो होता है। ओम।